तो अभी हम पहुंच गए हैं वाघा बॉर्डर पे और ये यहाँ की पार्किंग है और ये रही अपनी गाड़ी बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई और सब लोग अपने चेहरे पे इंडियन फ्लैग बनवा रहे हैं। बहुत लंबी लाइन लग गई है और 5 बजे के आसपास एंट्री होगी हम लोगों की। एंट्री तो वैसे चालू हो चुकी है सामने और यहाँ पे चेकिंग होती है हम लोगों की, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो जितनी जल्दी जाएगा वो उतनी अच्छी अपनी पसंद की सीट पाएगा। सो फाइनली अब लाइन ओपन हो चुकी है और हम लोग एंटर कर रहे हैं। जितनी भी लाइन से एक एक करके सबको छोड़ा जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हम लोगों की एंट्री हो चुकी है और अब हम लोग सीधे वाघा बॉर्डर जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे जाने वाले हैं और अपने इंडिया के फ्लैग को लहराने वाले हैं। वहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा इंडिया लिखा हुआ है और पाकिस्तान का जस्ट इसके पीछे आई थिंक होगा या इस साइड से होगा। ये देखिए फेंसिंग लगी हुई है, उधर टैंक रखा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी रहती है और ये सब अपना इंडिया का बॉर्डर इस तरफ है, पाकिस्तान का उस तरफ है। तो ये लाइन पूरी ऐसे जा रही है, ये देखिए आदमी को ये देना है। फ्री छोड़ दे, फ्री छोड़ दे। का लिस्ट पे नाम लिखा है, वो नाम देख करके वो जाने दे रहे हैं और हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 6th फ्लोर पे भी बना हुआ है और हम लोग सीधा अब ऊपर जा रहे हैं। 5:30 के आसपास स्टार्ट होता है, अभी 5:02 हुआ है। इंडिया साइड में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना क्राउड है जो चीयर करता है अपने जवानों को। और ये देखिए वो वहाँ सामने बॉर्डर जो BSF का बोर्ड लगा हुआ है, पाकिस्तान का बैक साइड में है। आई थिंक आवाज ही नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज साउंड है यहाँ पे। हाय करो बेटे उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। तो यहाँ पे सेरेमनी की स्टार्टिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं, सो अभी हम लोग फ्लैग सेरेमनी को देख रहे हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे इंडिया का फ्लैग लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब होने जा रही है डांस सेरेमनी जिसमें ऑडियंस से ही फीमेल्स आती हैं, सिर्फ फीमेल्स को ही अलाउ होता है, वो बीच सेंटर में आ जाती हैं और डांस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती हैं। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का BSF की तरफ से रेडेड सामरिक तौर पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय BSF के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं। कृपया ध्यान दें, आज की शानदार परेड के गार्ड कमांडर हैं मुख्य आरक्षक साथ ही आज की शानदार परेड पर 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है, महिला प्रहरी काजल कुमारी पकमलेश कुमारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठ के ही आज की शानदार परेड
क्रिकेट का आनंद उठाएं। किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। और अब बॉर्डर का गेट ओपन हो चुका है और अपने भारत के जवानों में जोश दोगुना हो गया है। बिल्कुल जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। Thank you.
ये था हमारा वाघा बॉर्डर का व्लॉग। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।